सुजानपुर डेहरा के वार्ड नंबर 2 में बने नाले की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोगों का घरों से निकला कूड़ा और स्थानीय दुकानदार कूड़ा उसी में फेंक रहे हैं, जिसके कारण वार्ड नंबर 2 के लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों को गंदगी के कारण रुमाल रखकर उस गली से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए नगर परिषद ने सफाई अभियान पूरे शहर में चला रखा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 के बने नाले के पास सफाई अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है। सुजानपुर डेरा के वार्ड नंबर 2 में बने नाले की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोग घरों से निकला कूड़ा और स्थानीय दुकानदार कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसके कारण वार्ड नंबर 2 के बने घरों से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों को गंदगी के कारण रुमाल रखकर उस गली से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए नगर परिषद ने सफाई अभियान पूरे शहर में चलाकर रखा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 के बने नाले के पास सफाई अभियान दम तोड़ती नजर आ रही है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि नगर परिषद मात्र चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, लेकिन नगर परिषद ने वार्ड नंबर 2 में कई सफाई अभियान चलाकर लोगों को समझाकर भी असर नहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा द्वारा वार्ड नंबर 2 के नाले का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि नाले में गंदगी का आलम बना हुआ है, जिसके कारण उन्होंने बताया कि शीघ्र ही नाले में फेंके कूड़े को हटाने के लिए नगर परिषद सफाई कर्मचारी लगा दिए जाएंगे और जिन जिन दुकानदारों ने नाले में कूड़ा फेंका हुआ है उनके चालान कर दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में नाले की सुंदरता बनी रहे। ज्ञात रहे कि नगर परिषद द्वारा घर द्वार जाकर कूड़ा एकत्रित करने के लिए गाड़ी जा रही है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि लोग व्यापारी वर्ग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, ताकि शहर की सुंदरता को हानि न पहुंचे। वहीं उन्होंने ऐतिहासिक नोन की सुंदरता के बारे में बताया कि शीघ्र नोन में सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, अन्य सामाजिक संस्थाओं के सौजन्य के साथ मिलकर इस नोन की सफाई की जाएगी, ताकि भविष्य में लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। देखो जी, तो जो बाजार वाले हैं उनको हमने बोला, सो आसाम जितना भी गंद है, जितना भी आपका माल होता है, हम दो टाइम रेडी बेच के उसमें डाल रहे हैं, डोर टू डोर हम सामान खा रहे हैं, फिर मतलब क्या गंद डालने का। यहाँ नाले में पूरा जितना भी गोवा है, मैं अपनी गायें पानी है, अपना फायदा ले रहे हैं और गंद डाल रहे हैं नाले में। यहाँ से आदमी नहीं निकल सकता, इतनी मुश्किल चली हुई है। और ये नोन का हाल देखो क्या हाल है, कितनी बुरी हालत है। आज इसको साफ करा दिया जाएगा, सारा बिल्कुल बढ़िया बना दिया जाएगा, फिर भी गंद डाल रहे हैं लोग। हमें समझ नहीं जा रही है अभी इतने गंदे क्यों हो गए हैं लोग। और कल से जो जिन्होंने गंद डाला है, कल से चलान होंगे उनके, उनको पता लगेगा अभी गंद डालने का मतलब क्या होता है। तो पहले इसका टेंडर लग गया है, अभी अनुराग जी ने 2.5 लाख रुपये दिए हैं, वो एक दो दिन में काम लग जाएगा। और 5 लाख रुपये डी सी साहब से आए हैं, वो भी यहाँ लग जाएंगे, पार्किंग बढ़ जाएगी, चलो वो तो समस्या दूर जाएगी। पर लोगों को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अपनी जगह है, अपना सब कुछ है, क्यों हम गंद डालें। तो आज तो जितना गंद पड़ोगे साफ करा दिया जाएगा बार बार से, पर अंदर बारी बारी हम अपील करते हैं कि प्रोग्राम बनाए एक दिन का, नगर परिषद वाले भी लगेंगे, इसको खाली कराया जाएगा और अंदर से साफ।